नमस्कार, DTW24 न्यूज़ देख रहे हैं आप और मेरा नाम निशा ओझा है। हम औरंगाबाद जिले में पहुंचे हैं और ये औरंगाबाद का पचमो गांव है जो नबीनगर विधानसभा के अंतर्गत आता है। और मेरे साथ जो महिला बैठी हैं, औरंगाबाद जिले में एक महिला होने के नाते और एक प्रत्याशी होकर खड़ी होना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि महिलाओं की स्थिति क्या है वो मैं आपको आगे कुछ वीडियोज़ में बताऊँगी जब मैं यहाँ की महिलाओं से बात करूँगी। इनका परिचय मैं ऐसे देना चाहूंगी कि ये पुष्पम प्रिया चौधरी के पार्टी प्लूरल्स की प्रत्याशी हैं। प्लूरल्स से खड़ी होने के बाद इनका जनसंपर्क कैसा रहा, ये कई गांव में जाकर के यहाँ पे घूमी, वहाँ की स्थिति कैसी है और प्लूरल्स पार्टी से कैसे जुड़ी, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही औरंगाबाद जिले की जो बेसिक स्थिति जिसके लिए यहाँ के लोग नीडेड है यहाँ के लोगों के लिए और किस तरह से वो उसमें सुधार देखती हैं, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ संजू तिवारी जी हैं। बात करेंगे और जानेंगे कि पुष्पम प्रिया चौधरी जो बिहार को बदलने के लिए हुंकार भर रही है वो कहाँ तक बदल सकती हैं, क्योंकि स्थिति इनके सामने है। स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि पुष्पम प्रिया चौधरी जो प्लूरल्स पार्टी की प्रेसिडेंट है, उनसे मिली कैसे और प्लूरल्स कितना बदलेगा बिहार को? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से नवीनगर बारून विधानसभा सभी मतदातागण को साष्टांग प्रणाम करती हूं और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि जो इस योग हमें समझे इंटरव्यू लेने के काबिल। आपने पहला सवाल किया कि इस पार्टी से आप जुड़ी कैसे हैं। हम 20 साल से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में थे नवीनगर औरंगाबाद में। हम एक किसान की बेटी और किसान के बहू के रूप में मेरा परिचय है। हम किसान के बेटी और किसान के बहू के नाते इस विधानसभा की जो मूल समस्या है उससे रूबरू हुए। जब हमने पुष्पम जी का स्टेटमेंट पहला बार पुष्पम जी का महिला दिवस के अवसर पर पेपर में देखा, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हम एक नई पार्टी बना रहे हैं, हमारी एजेंडा है, हम बिहार के सीएम के उम्मीदवार हैं, तो उतना हम समझे कि कोई नई लड़की आई है, नारी सशक्ति की बात होती है। 50% आरक्षण भी मिल गया है लेकिन आरक्षण का लाभ सचमुच हम नहीं ले पाते हैं, अभी भी हम जकड़े हुए बंधे हुए हैं। हम महिलाओं की पेड़ में अभी भी बेड़ियाँ हैं। प्रतिनिधि तो हम बन गए 50%, लेकिन स्वयं इस्तेमाल हम नहीं कर पा रहे हैं। तो जब उनसे हम पेपर के माध्यम से उनके संपर्क में आए तो उनका फ़ोन नंबर हमने लिया, इसके बाद उनसे संपर्क किया। उनकी जो एजेंडा थी कि हम वैसे लोग को टिकट देंगे जो ज़मीन से जुड़े हो, किसी व्यक्ति विशेष वर्ग से नहीं हो, किसी भी वर्ग के हों, किसी भी व्यक्ति विशेष के हों, नारी हो या पुरुष, कर्मठ लोग को और जो रूबरू हो अपने समस्या से उस लोग को हम टिकट देंगे। इसके बाद हमने उनसे संपर्क किया, हमारी 3 राउंड की हमसे बायोडाटा मांगा गया, 3 राउंड का हमने इंटरव्यू दिया। ऑनलाइन किया आपने ये सब? जी, सब कुछ ऑनलाइन किया। इसके बाद ऑनलाइन 3 राउंड का हमारी इंटरव्यू हुई, और भी यहाँ से उम्मीदवार थे। 3 राउंड इंटरव्यू के बाद हमको टिकट कन्फर्म किया गया। 3 राउंड के इंटरव्यू के बाद और सब कुछ ऑनलाइन हुआ। अभी पुष्पम प्रिया चौधरी ने एक मैनिफेस्टो लागू किया, उसमें लिखा हुआ है कि 8 दिशा 8 पहर, जिसमें कई तरह के मैनिफेस्टो उन्होंने निकाले हैं, जैसे नौकरी देंगी, शराबबंदी पर बात की उन्होंने और भी कई सारी चीज़ों को लेकर के वो आए दिन लोगों से जनसंपर्क कर रही हैं और बिहार को बदलने की बात कर रही हैं। जहाँ तक मैंने उनको स्टडी किया है, रिसर्च किया, वो महिलाओं को बहुत टिकट दे रही है। क्या लगता है बिहार को बदलने में ये काम आएगा कि वो महिलाओं को हर जगह से टिकट दे रही है? सचमुच अगर महिला कर्तव्यनिष्ठ हो और समाज की बदलने की उनमें चाहत है तो आप भी चैनल में या समाज के लोग से, स्त्री और पुरुष समाज के 2 तट हैं, जिस तरह एक नदी है, और अगर जब तक दोनों तट मजबूत नहीं होगी तो सुधार होना असंभव है। इसी सोच से पुष्पम प्रिया जी ने निर्णय ली होंगी कि अधिकांश हम महिलाओं को अगर 6 विधानसभा औरंगाबाद है तो 3 महिला और 3 पुरुष का दिया है। अब उस पर हम कितना सशक्त हैं ये हम पर भी निर्भर करती है। पार्टी तो तय करती है, प्रत्याशी को करना पड़ता है कि हम कितने तटस्थ हैं। आपने 8 एजेंडा का बात की, जिसमें हम सरल भाषा में, गांव के भाषा में आपसे कहना चाहेंगे
कि हर सरकार कृषि पर एजेंडा पर चुनाव लड़ती है और जुआ पर और शराब पर। शराब शराब कितना कंट्रोल हुआ यहाँ। पहले शराब जो थी दुकान पे मिलती थी, आज शराब होम डिलीवरी हो रही है, किसी से छुपी नहीं है। लाखों घर बर्बाद हो गए, लाखों घर बर्बाद हो गए इस शराब की झोली में। अर्थी चढ़ी हजारों बहना अपनी पति की बोली में। तो शायद उनका सोच होगा पुष्पम प्रिया जी का कि महिला आ जाएंगी, और अगर जब तक हम महिला नहीं चाहेंगे, कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी बन जाए, कोई भी नीति बन जाए, नहीं शराब खत्म होगी। हम चाहेंगे उस दिन शराब खत्म होगी, और जिस दिन हम 50% महिला संकल्प ले लेंगे, हमारी सरकार नहीं भी बंद करेगी, तो हम शराब को नष्ट खत्म कर देंगे। उनका जो उन्मूलन था उसको हम ही समाप्त कर देंगे। पेपर से शराब बंद नहीं होगी। दूसरा एजेंडा उनका कृषि, कृषि पर हम आपसे कहेंगे, कृषि पर पेपर पर तो न्यूनतम मूल्य समर्थन मूल्य की बात हो जाती है, लेकिन 1% भी हमारे यहाँ उस पर अमल नहीं हुआ, कि जिसमें आम एक मार्केट उपलब्ध नहीं हुआ, क्रय केंद्र न कहीं है, न पैक्स है। पैक्स सीमित लोग के लिए बना है, जो बड़े लोग जो हैं वही पैक्स में दे सकते हैं। किसान तो 1 कट्ठा का हो या 10 बीघा का बराबर होता है, उनके लिए तो सरल मार्केट होनी चाहिए। लेकिन बिचौलिया में हम किसान पीस रहे हैं, जो 70% किसान हैं, उनकी उचित मूल्य नहीं मिल पा रही है। समर्थन मूल्य की बात होती है 18 रुपये 80 पैसे गेहूँ की बात होती है, और चावल की बात होती है 26 रुपये कुछ पैसे, और धान की बात होती है 17 रुपये। लेकिन 12 रुपये सारे किसान, कहीं भी आप जब कर रही होंगी, 12 रुपये धान पर मजबूर है। हम एक आपसे पूछना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से इस चीज़ को ज़रूर आप कहिएगा कि कहीं भी कुछ लेने हम जाते हैं, मार्केट में गए, अगर बर्तन खरीदना है, टीवी खरीदना है, मोटरसाइकिल, तो वो रेट उन्होंने तय करता है। लेकिन हमारे बिहार में कैसे हम किसान ही मात्र है जो हमारी अनाज का, चाहे चना हो, गेहूं हो, मसूर हो, उसका रेट बिचौलिया तय करता है। कि कहाँ तक न्याय संगत है, इस पर क्यों नहीं सरकार की ध्यान जाती है? क्यों नहीं प्रतिनिधि इसके वहाँ पर विधानसभा में उठाते हैं कि जब हम मार्केट जाते हैं तो फल हम खरीदते हैं, तो अगर 40 रुपये सेब है तो हम 40 रुपये ही देते हैं, लेकिन हमारे पास जब लेने वाले आते हैं दुकानदार, तो हम नहीं तय करते हैं। वो बोलते हैं कि 12 रुपये धान हमको दीजिए। हम नहीं, कितनों हम चाह के भी हम नहीं कह पाएंगे कि हमारी समर्थन मूल्य या न्यूनतम मूल्य जो भी हो, 18 रुपये है, 17 रुपये है, 15 रुपये उसको देंगे, तो ये कितनी, क्या हम इसे किसान को खुशहाल कर पाएंगे? रह गई रोजगार की बात, हमारे यहाँ 2-2 NTPC है, थर्मल पावर, जो एशिया लेवल में जानी जाती है। एक भी हमारे प्रतिनिधि ने कभी आवाज़ नहीं उठाई। जब यहाँ जमीन लोग दे रहे थे, उस समय कही जा रही थी कि 15,000 जुआओं की रोजगार मिलेगी। आज हमारे जुआ गली चौराहे पर मिलेंगे आपको, झुंड में झुंड बेकार जुआ खड़े हैं। राष्ट्र का, समाज का भविष्य जुआ ही होता है। इस पर क्यों नहीं हमारी वर्तमान सरकार को ध्यान आकर्षित हुई, या हमारे जनप्रतिनिधि को, कि जो हमने, जिसको हमने थाली दिया वही थाली हमारे सामने से ले लिया? क्यों नहीं हमारे 5% भी जुआओं का नौकरी? इतनी बड़ी थर्मल पावर उद्योग की बात करते हैं, फैक्ट्रियाँ की बात करते हैं, लेकिन जो वर्तमान में हमने दिया जमीन, हमारी ग्रामीण जनता ने दिए, उनका भी था एग्रीमेंट कि हर घर से विस्थापित को नौकरी मिलेगा, और 6 किलोमीटर के एरिया में सौंदर्यीकरण तो आप देख रही हैं। उनके 7 निश्चय में, वर्तमान सरकार की 7 निश्चय में थी जल जीवन हरियाली, इस पर हम आपसे बात करेंगे। आप देख लीजिए वर्तमान में, यहाँ हम दिखाएंगे आप लोगों को कि नल तो है पर कहीं एक बूंद जल नहीं है, कहीं जल नहीं है। हरियाली की उन्होंने बात किया, करोड़ों रुपया इस पर खर्च हुए। हरियाली तो है, धान दिख रहे हैं आप, लगा हुआ है, लेकिन यहाँ के सभी ग्रामीण जनता से पूछिए कि उनकी उचित मूल्य मिल पाती है? इनको उनके पास जाना पड़ता है कि हमारा धान है ले लीजिए, उन्होंने मजबूर करता है कि 1 किलो में 200 ग्राम सुखती जाएगी, 10 रुपये मंसूरी धान है तो 10 रुपये दीजिए, और देने के लिए मजबूर, कहीं कोई मार्केट नहीं है, ना तो हमारे यहाँ क्रय केंद्र है, और ना हमारे यहाँ पैक्स अध्यक्ष में उतनी आवंटन होने की क्षमता है कि जो सारे किसान पैक्स में धान दे दें। हरियाली भी उनका फेल हुआ। जीवन की बात करते हैं, जीवन तो है पर कहीं खुशहाली नहीं है। खुशहाली तभी होती है जब रोजगार होता है। सारे जुआओं आंकड़ा करके देख ले, सारे जुआ बेरोजगार हैं, किसी भी गांव की बात करते हैं। उन्होंने स्वास्थ्य की बात की, नबीनगर बारून विधानसभा में हॉस्पिटल 2 बारून में भी है, और नबीनगर में आज तक इतने
40 साल के अंतराल में हम जो हमारी जो याद है 25 साल के अनुभव जो हम अपना बता रहे हैं, एक भी महिला डॉक्टर नवीनगर हॉस्पिटल में नहीं है कि जो हमारी माताएं बहनें जो भी जाती हैं प्रसव के लिए कि जो प्रसव करा सके, कहीं सीरियस केस बिगड़ती है तो या तो रेफर कर दिया जाता है नारायणा या औरंगाबाद प्राइवेट हॉस्पिटल में या पटना दिल्ली हॉस्पिटल में। वो स्वास्थ्य की गोल्डन कार्ड की बात करते हैं, 8 लाख गोल्डन कार्ड का फंड तो सरकार दे दी लेकिन उसके लिए व्यवस्था कहाँ है? एक सीटी स्कैन का डॉक्टर जाइए तो नहीं मिलेगा, साधारण एक एक्सरा जो है हॉस्पिटल में जाइए वहाँ पता लगा लीजिए, किसी से पूछ लीजिए तो तुरंत रेफर करता है कि जाइए प्राइवेट में एक्सरा करा के लाइए, इसके बाद रिपोर्ट कीजिए हम रेफर करेंगे। बेसिक सुविधा ही नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। ये बात हो गई प्लूरल्स पार्टी की और पुष्पम प्रिया चौधरी की। आपने खेती को लेकर के बहुत सारी चीज़ें बताई यहाँ पे, क्योंकि आप एक किसान की बेटी हैं, आपने जैसा कि बताया, और आपका ससुराल भी एक किसान परिवार में ही रहा है। तो जो सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार का, खास करके मैं अगर औरंगाबाद की बात करूं तो यहाँ पे 70% लोग ऐसे हैं जो अपना जीवन यापन खेती के थ्रू करते हैं। तो अगर उस बीच में अगर संजू जी खेती को लेकर के आवाज़ उठा रहे तो ये बहुत बड़ी बात है। अब मैं आप पे आऊँगी क्योंकि व्यक्तिगत रूप पर आप एक प्रत्याशी हैं, आप प्लूरल्स पार्टी से खड़ी हुई हैं। बिहार का खोइछा मांगा जा रहा है, घूम घूम के बिहार के हर गांव से खोइछा अभियान चलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप एक कर्ज के रूप में मुझे दीजिए। आपने मांगा? मैंने अभी तक किसी से नहीं मांगा। हमारी इतिहास और हमारी सांस्कृतिक है कि बेटी को माँ स्वच्छता से और हृदय से खोइछा मिलती है। जब हमारी विदाई होती है तो उस समय हर घर की लड़की को खोइछा दिया जाता है, हमारी पार्टी का भी है। जो पुष्पम जी को समझे कि हम खोइछा के काबिल हैं उनको मिल रहा है, लेकिन हम अपने मुंह से किसी भी फील्ड में किसी से नहीं मांगा। हम अपने माताओं और बहनों को देखना चाहते हैं कि क्या सचमुच विदाई के बाद बेटी को उस काबिल नहीं समझाता जा जाता है। पर घर हमारी जो शादी के बाद हमारे माँ हो, हम भी किसी के माँ रूप में हैं, यही होता है कि हमारे यहाँ से चली गई जवाबदेही हमारी ख़त्म हो गई। तो जब जवाबदेही तो खुद हमारी माँ उतनी समझदार हैं कि जब लड़की अपने यहाँ आती है तो उन्हें खोइछा मिलना चाहिए कि नहीं, मैं उन पर छोड़ दिया। और मैंने किसी से नहीं मांगा कि हमको खोइछा दे दीजिए, जो प्रेम से देंगे उनका खोइछा ले लेंगे। रह गई कि खोइछा अभियान और कर्ज के रूप में, हम तो उनके कर्ज से स्वयं लदे हुए हैं। जहाँ की ही माँ हो बहन हो, नारी तो स्वयं कर्ज से लदी हुई है। लेकिन एक जो हमने अनुभव किया समाज में गए तो हमसे हर वर्ग के लोग पहचान पूछी जाती है, हमसे खासकर नारी से, आप कौन हैं, क्या है आपकी पहचान, क्या है आपकी सोच, आपने क्या किया समाज के लिए, किसकी पत्नी है, किसकी बेटी हाँ, है? हमारी पहचान पूछी जाती है। तो इस पर हम आपसे कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कम उस हर चैनल के माध्यम से हर गांव तक इस आवाज़ को पहुंचा दें, हर महिला तक पहुंचा दें, हर बेटी तक पहुंचा दें, हर बहू तक पहुंचा दें कि पहला सवाल हम पर पूछी जाती है, कौन है आप, क्या है तेरी पहचान और क्या है तेरी अस्तित्व। फिर पूछा जाता है माँ हो, बहन हो, बेटी हो, और फिर लग जाती है पर आश्रिता, पर आश्रिता सदा से पराई, माँ के गर्भ में पराई क्योंकि बेटा नहीं बेटी आई, पिता के घर पर आई क्योंकि दूसरे घर जाने आई, पति के घर पर आई क्योंकि दूसरे घर से आई, पति के घर पर आई क्योंकि दूसरे घर से आई, बेटा के घर पर आई क्योंकि बहू नहीं है बेटे की माई। तो अपील है सभी बहनों से और सभी बेटियों से कि कब तक रहोगी तुम ऊपर आई, दामन को इतना फैलाओ कि कम पड़ जाए चुनौतियाँ। नवीनगर बारून विधानसभा की सभी महिलाओं और बेटियों से मेरे ही आग्रह है और हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि जब जब कुछ समाज में उथल फुथल हुआ है, जब जब समाज दुर्दशा की कगार पर हुई है, तो इतिहास साक्षी है कि हम सृजन किए हैं, हम महिला सृजन किए हैं, नारी ध्वंस करती, नारी सृजन करती है ध्वंस नहीं। हमारा संकल्प है कि समाज के किसी भी वर्ग, चाहे वो मेरे पिता रूप में हो, भाई रूप में हो, पति रूप में हो, हम उनसे विश्वास देना चाहते हैं कि संजू तिवारी नवीनगर विधानसभा से लड़ रही है, सृजन करेगी, ध्वंस नहीं करेगी। इसी उद्देश्य से हम इस पार्टी ज्वाइन किए हैं और फील्ड में हैं। मेरा सवाल अब दो मैं आपसे बैक टू बैक पूछूंगी और उन सबका जवाब दे दीजिएगा, उसके बाद इंटरव्यू को ख़त्म करेंगे। सबसे पहला सवाल मेरा ये आपसे कि 5 ऐसी चीज़ें बताइए जिसे नबीनगर पूरा विधानसभा क्षेत्र, खास करके ये गाँव
प्रॉब्लम में जूझ रहा है, जो यहाँ की बेसिक समस्याएं हैं। और दूसरी चीज़, अगर आप जीत जाती हैं तो आप कैसे उन समस्याओं का निवारण करेंगी? हम जीत जाते हैं, हमारी सरकार बने या ना उसी अलग बात है, बन भी जाती है। सरकार में विपक्ष की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। और कुछ लोगों में भ्रांतियाँ हो कि संजू जीत जाएगी नबीनगर से, लेकिन सरकार कहीं दूसरी की बनती है तो संजू अपना काम नहीं कर पाएगी। लेकिन हम जानते हैं कि जितना भी हमारे प्रतिनिधि का, जो विधायक का एक कोटा होता है, उसमें भेदभाव नहीं किया जाता है। रह गई जन समस्या की बात की, जो नबीनगर के लिए जन समस्या अनिवार्य क्या है, मेरी सबसे पहला प्राथमिकता यहाँ है किसान का। जितनी भी हमारी क्षमता रहेगी, हमारी पार्टी की क्षमता रहेगी, हम जितने मेंबर उसमें रहेंगे, हम सरकार को मजबूर करेंगे, आकृष्ट करेंगे कि सबसे पहले सरल बाज़ार हमें मुहैया कराएं नबीनगर, पूरे औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में या पूरे बिहार में। पूरे बिहार की हम बात करते हैं। हम सरकार से अपील करेंगे, आग्रह करेंगे, हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे, पूरी बिहार में सरल तरीका से किसान का जो अनाज बेचने का मार्केट है, सरल तरीका से उसको मुहैया कराया जाए। दूसरी प्राथमिकता स्वास्थ्य की है कि जो सारे हॉस्पिटल हमारे केवल नाम पर पेपर पर जो जिंदा है, उनका हम जीवंत करेंगे। कि जब आपने गोल्डन कार्ड दिया है तो हर विभाग में डॉक्टर होना चाहिए कि जिसका हमको नबीनगर ही इलाज हो और बारून में हमको नारायणा और पटना और डेहरी ना जाना पड़े। तीसरी रोजगार, NTPC में जो उन्होंने एग्रीमेंट किया है, जो वादा किया है, मुट्ठी भर लोग उसको अपने हाथ में रख के और सेटिंग करके जो हमारे युवाओं को बेरोजगार किए हैं, विस्थापित को जो आहत किए हैं, उनकी लड़ाई हम लड़ेंगे और मेरा वादा है इस पर कि हम सफल होंगे। तीन बात। चौथा बात आपने पूछी कि अगर नहीं भी बनती है तो किस टाइप से एंगल करेंगे। हमें भरोसा है कि एक प्रतिनिधि का क्षमता होता है कि जो समस्या है और विधायक बनने के बाद उसका, अगर हम चाहे तो, और नहीं चाहे, राजा का मतलब होता है स्वहित करना, नहीं परहित करना। और हम वचन देते हैं, हमारी इस चैनल को आप रखेंगे उस समय तक, हमको भरोसा है जो भी लोग यहाँ हैं, कि हम परहित का राजनीति करेंगे, स्वहित का राजनीति हम नहीं करेंगे। हम जितने हम मैनिफेस्टो लेके आए हैं उसको अमल करेंगे और धरती पर उतारेंगे, कागज़ पर नहीं रहेगी। ये चार चीज़ें बताई आपने। आखिरी चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं भी औरंगाबाद ज़िले से आती हूँ और जो यहाँ पे समस्या सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ की महिलाओं को लेकर के, कि अभी भी शिक्षा की भारी अभाव है। अभी भी यहाँ की लड़कियाँ ऐसी हैं, अभी भी कई सारे ऐसे गांव हैं जहाँ से शिक्षा से वंचित रह जाती हैं लड़कियाँ। शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव देखना चाहती हैं आप? शिक्षा के क्षेत्र में आप बोली कि यहाँ काफ़ी लड़कियाँ पीछे रह जाती हैं। हमारा मानना है कि जो भी यहाँ व्यवस्था है उसमें हमारी औरंगाबाद की लड़कियाँ, नबीनगर विधानसभा की लड़कियाँ, बारून की विधानसभा काफ़ी अव्वल हैं। जितना उनका साधन मुहैया हमारे सरकार की तरफ से है उसमें काफ़ी, यहाँ एक चीज़ की कमी है, जैसे यहाँ आज की जो युग है टेक्निकल हैंड की है, जिस पर और लोग भी बात करते हैं कि टेक्निकल हैंड होगा। यहाँ उस टाइप का कोई कॉलेज नहीं है, एकमात्र एक प्राइवेट कॉलेज यहाँ खुली है सितजो, जिसमें हमारी बच्चियाँ डिप्लोमा या एक BEd कॉलेज जो है औरंगाबाद में है। यहाँ बड़ा कॉलेज होना चाहिए। आज इंजीनियरिंग करने के लिए लोग बाहर जाते हैं। हम किसान, औरंगाबाद किसान का धरती है, यहाँ उतना पैसा नहीं है कि हम अपने बच्चियों को बाहर भेज सकें। यहाँ उस टाइप व्यवस्था होना चाहिए। और हमारी पार्टी, हम जो है, अगर हम आ गए तो उस टाइप का यहाँ कॉलेज स्कूल होना चाहिए। यहाँ नबीनगर में मात्र पूरे विधानसभा में 2 गर्ल स्कूल हैं। हाई स्कूल की बात कर रही हैं? जी जी, +2 जो है अभी तो उत्क्रमित हुए हैं सारे स्कूल, हम गर्ल स्कूल की बात कर रहे हैं। और आपने पूछी कि लड़कियाँ कैसे डेवलप करेंगी, तो जब शिक्षा में सुधार होगा, आज की जो शिक्षा है, जो वर्तमान शिक्षक, जो वर्तमान नीति जो है, इतने उलझा के रख दिए हैं स्कूल में, इतने दायरा बढ़ा के, शिक्षा में इस टाइप का नहीं होना चाहिए। जो अभी शिक्षा नीति है उसमें प्रतिभा का हनन है, बच्चों को प्रोत्साहन करने का तरीका एक यही नहीं है कि हम खाना या फल फ्रूट दे के बच्चों को प्रभावित कर लें। मान रहे कि उनकी जो डाइट की जो अभी चली है स्कीम, उनकी अपनी सोच होगी। हर स्कूल में जहाँ टीचर 5 होना चाहिए वहाँ 2 टीचर हैं। +2 में जहाँ हर स्कूल को उत्क्रमित कर दिया गया, कंकेर उत्क्रमित हो गया, फुलडीहा हो गया, टंडवा हो गया, औरंगाबाद, जहाँ जहाँ भी होंगे, लेकिन उत्क्रमित कर दिया गया सौ कागज़ पर,
वहाँ लग गया नेम प्लेट की यहाँ है, लेकिन टीचर होना चाहिए 10 तो वहाँ है 2। टीचर का अभाव है, तो जब शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो हमारी बेटा या बेटियों का प्रतिभा कहाँ से निकल पाएगा। आपके बोलने का मतलब यह है कि टैलेंट है, रिसोर्सेज की कमी। हाँ, रिसोर्सेज की कमी, रिसोर्सेज की कमी जी, है जी। तो ये हमारे साथ संजू तिवारी जी थी जो कि प्लूरल्स पार्टी यानी कि पुष्पम प्रिया चौधरी की पार्टी जो अब खासा नाम बना चुकी है बिहार में। लोग जानते हैं इस पार्टी को, इस पार्टी की प्रेसिडेंट पुष्पम प्रिया चौधरी को बहुत अच्छे से जानते हैं, हर जगह घूम घूम के जनसंपर्क कर रही है और नबीनगर विधानसभा क्षेत्र से संजू तिवारी खड़ी हुई है। क्या लगता है कितना साथ मिल जाएगा यहाँ के लोगों का, कैसा रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? हम तो इस पर कहेंगे सारे लोग हमारे साथ हैं। मतलब ऐसा नहीं है ना कि मतलब क्योंकि पकड़ बना रखा है जदयू ने काफी टाइम से, जब अगर मैं नबीनगर की बात करूं तो काफी लंबे समय से यहाँ पे जदयू का जो है वो पकड़ बहुत काफी ज्यादा है, और अब लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव भी खड़े हुए, तो बड़ी बड़ी पार्टियों के सामने प्लूरल्स कहाँ है? आपका सवाल तो बहुत नेक है, लेकिन हम सर्वोपरि जनता होती है चाहे कहीं की भी हो। तो आपने बोला कि आपकी नई पार्टी है, वो लोग काफ़ी पॉपुलर हैं जी। तो हम इस पर नहीं कुछ कहेंगे, लेकिन एक उदाहरण देंगे कि हम तो झुरमुट हैं। आपने कभी देखा होगा कि लोग अपने अपने पार्टी को कुछ बोले उससे क्या है, आंधियां तो चलती हैं, लेकिन आंधियां में बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो जाती हैं। झुरमुट की अपनी भान है, खड़ी रह जाती है। और आपने बात कही कि आपने क्या समर्थन की बात की, तो हमने सारे लोग पर छोड़ दिया है, जो निर्णय करेंगे हम सम्मान करेंगे उनका, लोकतंत्र में तो सब अपनी अधिकार है। तो इस पर तो हम नहीं बोलेंगे कि पूरी विधान नबीनगर विधानसभा जो है, मतलब आप जनता को कह रही कि आप पे भरोसा करें, आप अपना काम करेंगे जीतने के बाद। जी, जनता हम पर भरोसा करे, हम उनका काम करेंगे, क्या निर्णय देंगे वो उन पर हम छोड़ देते हैं। नई नई पार्टी प्लूरल्स, और ये थी प्रत्याशी प्लूरल्स पार्टी की संजू तिवारी। बहरहाल इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, तब तक के लिए शुक्रिया।